देश में 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। अब बस सभी को इंतजार है 3 दिसंबर का, जब सभी 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही ये भी पता लग जाएगा कि किस राज्य में किसको मिलेगा मुख्यमंत्री का ताज। कुछ खबरों की माने तो इस बार कांग्रेस कर्नाटक की तरह कई राज्यों में कमाल कर सकती है। कई एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी शायद कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सकते हैं। कांग्रेस से कहां हुई चूक? जहां कांग्रेस के लिए 4 राज्यों से खुशखबरी आने वाली है, तो वहीं एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। तो राजनीतिक ज्योतिषियों की माने तो इसके पीछे की वजह कमलनाथ है। इसके पीछे सबसे पहली वजह कांग्रेस का INDIA गठबंधन के साथ साथ छोटे दलों से हटकर चुनाव लड़ना। जी हां, एमपी चुनाव के कारण ही अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का विवाद जग जाहिर हुआ था। जहां अखिलेश एमपी में 6 सीटों पर सपा के उम्मीदवार उतारना चाहते थे, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवार उतार लिए थे। और इसका फैसला और किसी ने नहीं बल्कि कमलनाथ ने ही किया था, जिसके बाद सपा कांग्रेस में विवाद काफी बढ़ गया था। अखिलेश यादव ने तो कमलनाथ को लेकर टिप्पणी तक कर दी थी कि जिनके नाम में ही कमल है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। शिवराज चौहान ने की जी तोड़ मेहनत। अगर एमपी में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण खुद CM शिवराज सिंह चौहान होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार और ज्यादा मेहनत की और ये बात उन्होंने खुद मानी भी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बार बीजेपी ने किसी भी राज्य में सीएम पद का कोई भी फेस किसी तरह की घोषणा नहीं की थी और शायद शिवराज सिंह चौहान इसे एक मौके के तौर पर देख रहे थे। इसलिए तो शिवराज सिंह चौहान जमीनी स्तर तक काम करते रहे, जिसमें उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। साथ ही वो जानते थे कि एमपी में महिला वोटरों की कितनी अहमियत है, इसलिए तो सीएम चौहान ने कई कल्याणकारी योजनाओं से महिला वोटर्स को साधा, जिसमें लाडली योजना सबसे अहम मानी जा रही है।